नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों, आज बात करूंगा आरएमएल लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज लखनऊ की। दोस्तों, वैकेंसी आई है परमानेंट, और दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि सर इस पे ज़रूर से वीडियो बनाइए। काफ़ी कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स मिले, काफ़ी प्यार मिला आप लोगों का, उसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को एकदम संक्षिप्त तरीके से हम बनाएंगे और इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सैलरी रहने वाली है और किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट है रिक्वायरमेंट का, और वेबसाइट है www.rmlims.in। लास्ट डेट 29th July 2022। इसके अलावा बात करूं, इसके अंदर सिस्टर ग्रेड 2 और सिस्टर ग्रेड 1, ये दो ही बात करेंगे हम लोग। दोनों का ग्रेड पे सेम है 4200। सिस्टर ग्रेड 2 की जो वैकेंसीज है वो 25 है, और अपनी कैटेगरी के वाइज आप देख लेना कि कौन सी कैटेगरी में कितनी है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 8 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की होने वाली है, और सिस्टर ग्रेड 1 की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 8 वैकेंसी है, जनरल की सिर्फ 1 वैकेंसी होने वाली है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस के अंदर क्या मांगा गया है, अगर मैं बात करूँ सिस्टर ग्रेड 2 की, तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर मेल नर्सेज। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो बड़े हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस का। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, ये जीएनएम के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और बीएससी नर्सिंग शुड बी रजिस्टर्ड ए ग्रेड नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्स काउंसलिंग। तो बीएससी नर्सिंग के साथ में कोई एक्सपीरियंस ये लोग नहीं मांग रहे हैं। अब मैं बात करूं सिस्टर ग्रेड 1 की, तो इसके अंदर भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और जो सिस्टर ग्रेड 2 है उसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जीएनएम के साथ, बीएससी नर्सिंग के साथ दोनों के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस, सॉरी बीएससी नर्सिंग के साथ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये लोग सिस्टर ग्रेड 1 के अंदर। इसके अंदर बीएससी नर्सिंग हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड शुड बी रजिस्टर्ड ए ग्रेड नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि आपका यूपी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन कहीं का भी हो, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली है। आप ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग की कोई भी पोस्ट इसके अंदर अवेलेबल है नहीं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कंडीशंस की, तो सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट। अगर हम दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिस्टर ग्रेड 1 और 2 के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग आवेदन आप लोगों को देना है। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टोमिनोलिस इन सपोर्ट ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस एंड कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी इंक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ में सारे सर्टिफिकेट्स आपको क्या करने हैं, इंक्लोज्ड करने हैं, साथ में आपको सबमिट करने हैं विद अटेस्टेड, मतलब खुद को अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। इंक्लोज ए बैंक डीडी इश्यू फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ RSO। 100 रुपये की डीडी आप लोगों को कटवानी है। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली एंड RS 300 इन केस ऑफ 100 रुपये है जो SC ST कैटेगरी के लिए, और 300 रुपये जो है वो OBC और जनरल कैंडिडेट को इसके अंदर डीडी भरवानी है। फाइनेंस एंड ए सेल्फ एड्रेस्ड, इसके अंदर आपको कंट्रोलर RMLIMS लखनऊ के नाम से आपको क्या करना है, ये डीडी कटवानी है लखनऊ के नाम से, और विच विल बी नॉन रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं रहेगी। एनवलप देना है, शुड बी सप्रेस्ड विद द एडवर्टाइजमेंट नंबर, एनवलप के ऊपर निकला है एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड नेम ऑफ द पोस्ट। इसके अलावा जो भी एड्रेस है, जो एड्रेस है द डायरेक्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एंड शुड बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट ओनली, रजिस्टर्ड पोस्ट हो या स्पीड पोस्ट हो उससे आप लोगों को सेंड करना है। 6th पॉइंट अगर हम पढ़े तो अप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शुड रीच द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर लेटेस्ट बाई 2/7/2022, 2/7/2022, ठीक है। इफ लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन इज ऑब्जर्व एज होलीडे, नेक्स्ट वर्किंग डे विल बी ट्रीटेड एज लास्ट डे। अगर लास्ट डे होलीडे है तो उसे अगला दिन लास्ट डे माना जाएगा। एज लिमिट के बारे में आपको पता है क्या है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ
डॉक्यूमेंट अगर आपके सही नहीं हुए या फिर आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं करा तो रिजेक्ट कर देंगे ये लोग। इसके अलावा मैं बात करूँ, इंटरव्यू भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, और उस टाइम आपको NOC आपको देनी पड़ेगी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो। ये सारी दोस्तों इसके अंदर टर्म एंड कंडीशंस है। और अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो www.drrmlims.ac.in के अंदर आप जाके पूरे वेबसाइट के ऊपर ये पता लगा सकते हैं। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दी है। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।